हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बनाएंगे फ्रूट डिलाइट। ये फास्टिंग रेसिपी है। ये दही और फ्रूट से बनने वाली स्वीट डिश है। आज हम दो रेसिपीज बनाएंगे, एक है बनाना डिलाइट और दूसरी है मिक्स फ्रूट डिलाइट। तो चलिए पहले बनाते हैं मिक्स फ्रूट डिलाइट। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप दही, एक चम्मच गुड़, हाफ एप्पल, 8 से 10 लाल ग्रेप्स, 4 से 5 वॉलनट्स, किशमिश और थोड़ी काली किशमिश। तो चलिए इस अमेजिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप दही लेके उसको अच्छे से फेंट लेंगे। फिर इस फेंटे हुए दही को हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस रेसिपी में हमें फ्रेश दही यूज़ करना है, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद हम इसमें एक चम्मच गुड़ ऐड करेंगे। अगर आप चाहो तो गुड़ के बदले शुगर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गुड़ यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एक बार आप गुड़ और दही का कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगा। गुड़ को दही में मिक्स करने से पहले अच्छे से क्रश कर लेना है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अभी हमें इसे मिक्स करते हुए 1-2 मिनट हो गए हैं और गुड़ दही के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े बारीक कटे हुए एप्पल के पीसेस। एप्पल को मैंने छिलकों के साथ ही लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से रेड ग्रेप्स। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, कीवी या पपैया। इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 4-5 क्रश्ड वॉलनट्स ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे थोड़े से रेजिंस। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब थोड़ी सी काली द्राक्ष भी ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से और थोड़े ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करेंगे। तो देखिए, क्विक एंड यमी मिक्स फ्रूट डिलाइट रेडी है। इसे आप थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद सर्व करेंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। फ्रूट्स एक अच्छा सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का, और इसमें फाइबर भी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए फास्टिंग के दौरान वेट लूज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत टेस्टी भी है। इसे आप एज अ डेजर्ट भी एंजॉय कर सकते हो। चलिए अभी बनाते हैं बनाना डिलाइट। और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 2 केले, 2 चम्मच हनी और थोड़े से अनार के दाने। एक बाउल में हम दही लेके उसको अच्छे से फेंट लेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं, इसलिए ये हमारे टीथ और बोन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और दही से डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। अब हम केले के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इलायची केले लिए हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। केले में विटामिन B6 होता है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर भी होते हैं और ये एक अच्छा सोर्स है नेचुरल शुगर का। दही और केले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से अनार के दाने ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हनी। आप इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हनी को भी एक बार फिर से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मिक्स करने से इसकी स्वीटनेस इक्वली पूरे डिश में स्प्रेड हो जाएगी। अब सर्व करने के लिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें और सारे बहुत से वेरिएशंस कर सकते हैं, लेकिन फास्ट के हिसाब से जल्दी बन जाए इसलिए मैंने इसे सिंपल ही रखा है। फास्ट के अलावा भी जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो आप इसे बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेल्दी बनाना डिलाइट सर्व करने के लिए रेडी है। हम इसे अनार के दाने और हनी से गार्निश करके सर्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।